हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट में। दोस्तों, आज वीडियो में हम टॉर ब्राउज़र के बारे में जानेंगे टॉर ब्राउज़र क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप सभी ने मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं टॉर ब्राउज़र क्या होता है। टॉर ब्राउज़र जो है एक इंटरनेट ब्राउज़र है जिसमें आप तरह तरह की जो है वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। टॉर का फुल फॉर्म होता है द ओनियन रूटर, और टॉर को द ओनियन रूटर क्यों कहा जाता है इस बात को हम वीडियो की एंड में समझेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरे ब्राउजर्स और टॉर ब्राउजर में क्या फ़र्क है जब इसमें भी इंटरनेट सर्फ करते हैं और दूसरे ब्राउजर्स में भी हम इंटरनेट को सर्फ करते हैं। दूसरे ब्राउजर्स और टॉर ब्राउजर में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का। दूसरे ब्राउजर्स के बारे में मुझे आप सभी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी दूसरे ब्राउजर्स के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं। टॉर ब्राउजर दूसरे ब्राउजर्स के मुकाबले इतना डिफरेंट क्यों है और इतना पॉपुलर क्यों है, अब इस बात को हम समझते हैं। टॉर का यूज ज्यादातर लोग अपनी डिटेल्स को हाइड रखने के लिए यूज करते हैं। अब इस बात को हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। सपोज करिए, आप सभी ने किसी भी वेब ब्राउजर से जो है एक google.com को ओपन किया। जैसे आप google.com को सर्फ करेंगे तो क्या होगा, आपके सिस्टम का IP एड्रेस, डिवाइस नेम, ये सारी की सारी डिटेल जो है गूगल के सर्वर पे जाके सेव हो जाती हैं। अब इससे क्या होता है, जो वेबसाइट का ओनर है उसके पास आपकी सारी डिटेल होती है कि आप कहाँ से हो और आपकी डिवाइस का नाम क्या है, इससे पता लगा लेता है कि आप कौन हो। लेकिन फ्रेंड्स, टॉर के केस में ये चीज़ बिल्कुल अलग होती है। अगर आप सभी टॉर में सपोज करिए google.com को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप टॉर में ओपन करेंगे तो टॉर ब्राउज़र आपकी इंटरनल IP एड्रेस को चेंज कर देता है। अब वो कैसे करता है इस बात को हम समझते हैं। जैसे आप टॉर ब्राउज़र में कनेक्ट होते हैं तो टॉर ब्राउज़र किसी दूसरे VPN से कनेक्ट हो जाता है और वो VPN किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट होता है। ऐसे ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है और ये सर्किट जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप सभी किसी भी वेबसाइट पर अगर एक्सेस करते हैं तो उस वेबसाइट के ओनर के पास आपके सिस्टम की डिवाइस की यानी कोई भी डिटेल जो है उसके पास नहीं पहुंचती है। और उसके पास इन्फॉर्मेशन तो जाती है लेकिन किसी और डिवाइस की और किसी और सिस्टम के IP एड्रेस की उसके पास डिटेल पहुँचती है। इस तरीके से आप सभी एनोनिमसली होके किसी भी वेबसाइट पर सर्फिंग कर सकते हैं टॉर ब्राउज़र की हेल्प से। लेकिन फ्रेंड्स, टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते टाइम आप सभी एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप टॉर का यूज़ करेंगे तो आप टॉर के अंदर जो भी चीज़ सर्फिंग करेंगे खाली वही चीज़ जो है वही डिटेल्स जो है हाइड करता है टॉर, आपके इंटरनल IP के एड्रेस को चेंज नहीं करता है। सपोज करिए आपने किसी दूसरे ब्राउज़र में भी कोई और वेबसाइट चला रखी है और कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो उनका IP एड्रेस टॉर ब्राउज़र चेंज नहीं करता है। फ्रेंड्स, अब हम इस बात को जानते हैं कि टॉर ब्राउज़र को यूज़ करने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप सभी को इतना तो पता चल ही गया है कि आप सभी अपनी डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं इंटरनेट पे टॉर की हेल्प से। और क्या क्या कर सकते हैं, ब्लॉक वेबसाइट्स को आप ओपन कर सकते हैं टॉर ब्राउज़र की हेल्प से, अपने डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी वो सारा का सारा डेटा जो है नेटवर्क है आपका, उसके जो पैकेट्स हैं वो सारे के सारे इनक्रिप्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपके सिस्टम पे हैकिंग होने से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस बात को जानते हैं कि टॉर को कैसे डाउनलोड करना है और इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। सिंपली आप सभी गूगल पर जाइए और वहाँ पर टाइप करिए टॉर डाउनलोड। उसके बाद आप सभी के पास पहली लिंक आएगी डाउनलोड टॉर या टॉर प्रोजेक्ट, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी टॉर की ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे और इसके बाद आप सभी अपने हिसाब से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से टॉर को डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज़ में, मैक में, लिनक्स में और एंड्रॉयड में। इन चारों प्लेटफॉर्म के लिए आप सभी पास टॉर अवेलेबल है। मैं अपने केस में विंडोज़ में डाउनलोड कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मेरे पास टॉर डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। सिंपली मैं इस सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके सॉफ्टवेयर को रन करूँगा। इसके बाद आप सभी के पास कुछ इस तरीके का सेटअप आएगा। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, मैं अपने केस में इंग्लिश को चूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद कुछ इस तरीके की डायरेक्टरी आएगी, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, आपको कहाँ इंस्टॉल करना है और सिंपली जो है इस ब्राउज़र को जो है आप सभी इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद आप सभी के पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा टॉर ब्राउज़र का। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मेरे सिस्टम में एक फोल्डर आ गया है टॉर ब्राउज़र करके। इसी फोल्डर के अंदर मेरा जो सॉफ्टवेयर है टॉर ब्राउज़र पूरा इंस्टॉल हुआ है। इस फोल्डर को आप सभी डिलीट मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप सभी को मैं टॉर को ओपन करके बताता हूँ और ये देखते हैं कि किस तरीके से इस ब्राउज़र में सर्फिंग की जाती है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने देख लिया है टॉर इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ।
जैसे आप जानते हैं कि टॉर ब्राउजर एक नॉर्मल ब्राउजर नहीं है, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इस ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देता हूँ, बहुत सारी कंट्रियों में टॉर ब्राउजर को बैन भी किया हुआ है, लेकिन इंडिया में टॉर ब्राउजर पूरी तरीके से लीगल है, आप पूरी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को सिंपली जो है कॉन्फ़िगर पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप सभी कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है आप सभी के सामने आ जाएगा। अगर आप सभी के केस में अगर टॉर कहीं पे बैन है तो आप सभी रिक्वेस्ट अ ब्रिज फ्रॉम अ टॉर प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सभी इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कैप्चा कोड आएगा। इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे आप कैप्चा को फिलअप कर देंगे तो आप कहीं पे भी उसके बाद नीचे कनेक्ट हो जाइए। अगर आपके कंट्री में सिस्टम पे बैन नहीं है और आप कोई भी अपने सिस्टम में प्रॉक्सी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप जो है कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका टॉर ब्राउज़र जो है टॉर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, टॉर जो है सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम जो है इस ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग गूगल को ओपन करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने गूगल को ओपन कर दिया है और ये गूगल जो है US का गूगल है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पे सर्किट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ सर्किट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को इसके सारे का सारा सर्किट डिटेल शो हो गया है। सबसे पहले मेरा google.com कैसे आया, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, फिर इस ब्राउज़र पे जो है आपको सर्किट दिख रहा है। इतने बड़े सर्किट के थ्रू जो है google.com मेरे पास आया है। तो आप सभी इससे समझ गए होंगे कि कैसे इसने मेरे आईपी एड्रेस को हाइड किया है और सारे के सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे मेरे को शो भी हो रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम YouTube को ओपन करते हैं। जैसे कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, अब मैंने YouTube को ओपन कर दिया है और YouTube जो है आप सभी को जो यहाँ पे होम पेज शो कर रहा है, ये US का शो कर रहा है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर चैनल्स जो हैं सारे US के चैनल ही शो कर रहा है, कोई भी आपको इंडियन चैनल नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो YouTube मैंने ओपन किया है वो US का ओपन किया है। आप देख सकते हैं कितनी सिक्योरली, और इसका सर्किट भी आप देख सकते हैं कितने सिक्योर तरीके से ये जो है आप सभी की डिटेल्स को हाइड रखता है और कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। अब फ्रेंड्स, अब हम ये जानेंगे कि टॉर ब्राउज़र को द ओनियन रूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स टॉर ब्राउज़र में आप सभी हिडन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि डार्क वेब की वेबसाइट्स, डीप वेब की वेबसाइट्स। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बता दिया था कि डार्क वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो नॉर्मल वेबसाइट्स को ओपन करते हैं जिनके लास्ट में .in, .com या .org होता है, ये सारी की सारी सरफेस वेब की वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो डार्क वेब की वेबसाइट्स होती हैं उनके लास्ट में .onion करके होता है। ये सारी वेबसाइट्स किसी दूसरे नॉर्मल ब्राउज़र में ओपन नहीं होती हैं, और अगर ओपन हो भी जाए तो आपकी सारी की सारी डिटेल को जो है ट्रैक कर लिया जाता है। अब आप सभी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि टॉर ब्राउज़र का यूज़ करना कितना ज़्यादा सिक्योर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप सभी मिस्टर बॉट चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।